Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss the last topic under the main heading of higher education in India, that is self-finance programs in higher education, or you can say problem of self-finance programs, or you can say need of self-finance programs, and all have been covered in this lecture. Okay, so let's start. इससे पहले कि ये कंसेप्ट देखिए, जब मैं आपसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात कर रही थी तब भी ये बात आई थी, और ये अब फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ. इसका मेन मुद्दा बताने का ये है कि हायर एजुकेशन पे खर्च करने के लिए सरकार के पास फंड की कमी है, और हायर एजुकेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. फिर आपने फी भी उस हिसाब से उतनी नहीं है स्टूडेंट्स की, बल्कि प्राइमरी सेकेंडरी में प्राइवेट स्कूलों में बहुत फीस है, उतनी हायर एजुकेशन में नहीं है. फीस कम है और सैलरी ज़्यादा मिलती है टीचर्स को इन कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल्स के जो प्राइमरी और सेकेंडरी में लगे हुए टीचर्स हैं. तो ये बहुत अंतर बैठता है, और इसको कैसे फुलफिल किया जाए, गवर्नमेंट पूरा नहीं पढ़ रही है, कम पढ़ रहे हैं उसके रिसोर्सेज, उसके पास इतना फंड नहीं देने के लिए. इसलिए प्राइवेट पार्टनर्स को इनवाइट किया गया कि आप अपने फंड खुद जनरेट कीजिए, सेल्फ फाइनेंस, यानी कि आप स्वयं खुद के लिए वित्त का प्रबंध करें. ओके, तो इसको समझते हैं कि द फाइनेंशियल एलोकेशन ऑन एजुकेशन इज वेल बिलो द 0.6% ऑफ GDP. बहुत बार कहा गया, बहुत कमीशन्स में कहा गया, बहुत समय से कहा जा रहा है कि GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए. दैट इज कंसिडर्ड ऑप्टिमल, मतलब जिसको माना गया कि ठीक ठाक काम चल जाएगा. एंड एट दैट इट हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा, जबकि ये कभी 6% नहीं पहुंच पाया, जबकि पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा यानी कि जो आपका LPG का एरा आया है. क्या है LPG? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि 90s में जब ये बात आई उसके पोस्ट यानी कि उसके बाद में, उसके उत्तरार्ध में ये और कम होता गया. A natural argument would be therefore that we should boost up investment in education in general and higher education in particular. तो कहा गया कि भाई आपको इन जनरल एजुकेशन के लिए और पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, rather than going in for a further shrinkage in public expenditure and exhorting the institutions of higher education to seek avenues for self-financing their educational programs. इससे कहा गया कि आप अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए वित्त की व्यवस्था खुद करें. However, the worries of the MHRD, Ministry of Human Resource and Development, Government of India are amply reflected in the country paper presented at UNESCO Conference on Higher Education. तो UNESCO Conference हुई Higher Education की UNESCO में, वहाँ पे MHRD ने अपनी worries बताई, अपनी चिंता बताई. क्या बताई चिंता? कि ये वाला पहले होना चाहिए था. हायर एजुकेशन इन इंडिया इज इन डीप फाइनेंशियल स्ट्रेन. उसने कहा कि भारतवर्ष में उच्च शिक्षा की स्थिति जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेन में है, यानी कि वित्तीय रूप से हम संकट में हैं. विद एस्केलेटिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग नीड्स, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं ऑन द वन हैंड एंड श्रिंकिंग बजटरी रिसोर्सेज, और दूसरी तरफ जो हम बजट है वो कम हो रहा है. द शेयर ऑफ हायर एजुकेशन, ये सिर्फ डेटा है आपके समझने के लिए, द शेयर ऑफ हायर एजुकेशन इन टोटल प्लान रिसोर्सेज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.71% इन द फर्स्ट 5-ईयर प्लान टू 1.24% इन द फोर्थ 5-ईयर प्लान. यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो हायर एजुकेशन पे बजट था वो 0.71% था, जो बढ़ के चौथी पंचवर्षीय योजना में 1.24% हो गया. बट एवर सिंस, लेकिन उसके बाद से ही कंटिन्यूअसली घट रहा है. 0.53% 7th 5-ईयर प्लान में, 0.35% 8th 5-ईयर प्लान में, though the actual expenditure has increased by more than 100 times, जबकि actual expenditure बढ़ रहा है. 140 million पहली पंचवर्षीय योजना में था, जिससे लेके 15,000 million आठवीं पंचवर्षीय योजना में हो गया. Thus, although higher education in India is characterized by massive public investment, this investment is still regarded as much below the optimum. इसका मतलब अभी भी हम वो वहाँ तक बहुत हमने बढ़ाया है, बहुत हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से है, लेकिन अभी भी ये कम है. अब ये वाली स्लाइड आएगी, ये वाली. Recently, major efforts have been mounted for mobilization of resources, and it has been recommended that while the government should make a firm commitment to higher education, institutions of higher education should make efforts to raise their own resources. कहा गया कि government तो बढ़ा रही है धीरे-धीरे expenditure, अपना कोशिश कर रही है कि दे, लेकिन आपको यानी कि higher education institutions को, उच्च शिक्षण संस्थाओं को भी ये प्रयास करने होंगे कि वो अपने resources खुद पैदा कर सकें. कैसे? Raising the fee level, या तो आप fees बढ़ाइए. Encouraging private donations, जो प्राइवेट फॉर्म्स हैं जिनके पास बहुत पैसा, उनसे डोनेशन लीजिए, वो अपना CSR में डोनेशन दे दें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी.
नीति के तहत एंड बाय जनरेटिंग रेवेन्यूज। और रेवेन्यूज जनरेट कीजिए कैसे, थ्रू कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी सर्विसेज आप चलाइए उसके लिए चार्ज करिए एंड अदर एक्टिविटीज। अ सजेशन इज ऑल्सो बीन मोटेड फॉर लिवाइंग एंड एजुकेशनल सेस। ये भी कहा गया कि कभी बात हुई इसकी कि शिक्षा पे कर लगा दिया जाए। इट इज क्लियरली सीन दैट इफ हायर एजुकेशन हैज टू बी मेंटेन्ड एंड डेवलप्ड फर्दर, द गवर्नमेंट विल हैव टू स्टेप अप मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग सेल्फ रिलायंस व्हाइल प्रोवाइडिंग ए मच मोर मैसिव इन्वेस्टमेंट दैन हिदर टू। तो कहा गया कि मतलब कुल मिला के जिस्ट ये निकला कि हमारा जो प्रयास है वो कम पड़ रहा है, इसलिए आपको सेल्फ फाइनेंस की शरण में जाना होगा। फिर आता है आपका कि the idea of self-financing of higher education stems from the explicit financial difficulties। इसकी उत्पत्ति वहाँ से हुई है कि हमको भाई वित्तीय सहायता हो रही है सरकार को, तो क्यों वित्तीय सहायता हो रही है, ये डेटा पुराना है लेकिन तब भी 3.1 लाख टीचर्स हायर एजुकेशन में लगे हुए हैं, लगभग इतना ही या इससे ज़्यादा नॉन टीचिंग काउंटर पार्ट है, सबकी हमको सैलरी देनी है। इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए सिस्टम हाउएवर लार्ज इज कमेंसुरेट विद द कॉस्ट ऑफ रनिंग दैट सिस्टम, इट शुड नॉट कॉज मच कंसर्न। वो कह रहे हैं कि अगर एक सिस्टम की उत्पादकता लगभग उसमें जितना खर्चा आ रहा है उसके हिसाब से चल रही है, मतलब प्रॉफिट नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन However, when the dead weight of a system, जब उसका मतलब मृत प्राय भार ही several times larger than its productivity। अब ये मृत प्राय भार का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम प्रोडक्टिव तो कुछ पैदा नहीं कर रहे हैं, जो हम ग्रेजुएट दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट दे रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, मतलब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, सब हिसाब किताब सब गड़बड़ है। तो उस सिस्टम को रन कराने के लिए नेसेसरली डिमांड सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, निश्चित रूप से हमको बाहर से वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ेगी ताकि इसको चलाया जा सके। In the wake of privatization, the government is going ahead with selling out public enterprises to private management. तो privatization की जब बात हुई तो government आगे बढ़ी और उसने public enterprises को private management को बेचना शुरू किया। फिर अब बात करते हैं कुछ committees की। ये report of the CAPE committee on Ganam committee report April 1992 में उसने कहा with regards to funds in universities, ने कहा it will not be possible for the state governments to find adequate resources। उसने कहा कि राज्य सरकार के लिए ये कतई पर्याप्त नहीं है, संभव नहीं है कि वो पर्याप्त resources पैदा करे to create endowment funds for each university, कि हर university के लिए हम endowment funds create करें। Universities however should make efforts, इसलिए जो विश्वविद्यालय हैं उनको स्वयं प्रयास करना चाहिए टू रेज ओन रिसोर्सेज, जिससे वो अपने संसाधन स्वयं उत्पन्न करें, बट इट मस्ट बी इंश्योर दैट देयर आर नो कंडीशंस अटैच्ड लाइक प्रेफरेंस इन एडमिशन एटसेट्रा। ये उसने कहा, लेकिन आपको पता है सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में जो मेरिट पे एडमिशन नहीं होता है बल्कि जो पेइंग कैपेसिटी जिसके पास है उसका एडमिशन होगा। रेजिंग ऑफ रिसोर्सेज शुड नॉट इफेक्ट एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी शुड ले डाउन गाइडलाइंस फॉर द सेम। उन्होंने कहा कि जो ये आप संसाधन उत्पन्न कर रहे हैं वो उससे आपका एकेडमिक स्टैंडर्ड प्रभावित नहीं होना चाहिए और उसके लिए गाइडलाइन दी गई। To encourage universities to raise resources, they should be allowed to retain the funds raised by them and these should not be deducted from block grants। उन्होंने कहा कि आप मतलब उसको प्रोत्साहित करने के लिए कहा कि आप जो resources generate करेंगे वो आपके fund से deduct नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर पुनन्या कमेटी आई UGC funding of institution of higher education पे, उसने कहा कि while universities should be encouraged to augment their resources for covering a larger proportion of costs of education than what prevails now, the increased burden must be borne mainly by those who can afford। उन्होंने कहा कि ये भार आप उन पर डालिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। An optimum division between academic and non-academic costs should be arrived at to help in stabilizing the maintenance expenditure। ये सारी बातें उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि UGC को